एक यज्ञ का आयोजन हुआ, हजारों वर्षों तक यज्ञ चला राक्षस है ग्रीव को मारने के लिए। भगवान को सेवा दी गई कि राक्षस आकर के उत्पात न करे, विवदान न करे, इसलिए आप यज्ञ के दरवाजे पर धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ, राक्षस अंदर प्रवेश न कर पाए। भगवान उसके लिए राजी हो गए, भगवान ने धनुष बाण संभाला। हजार वर्ष का यज्ञ समय ज्यादा लंबा था तो भगवान को नींद आ गई, तो वो धनुष के दंड के ऊपर ठोड़ी रख करके और भगवान सो गए। इधर यज्ञ की पुड़ावती होने वाली थी तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, यज्ञ की पुड़ावती के लिए भगवान नारायण को बुला के ले आओ। देवराज इंद्र गए बुलाने के लिए तो भगवान तो सो रहे थे, धनुष के दंड के ऊपर उनकी ठोड़ी रखी हुई थी, सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, अब क्या करें। देवराज इंद्र दीमक बन गए, दीमक जानते हैं जो लकड़ी में जिसे घुन कहते हैं, इंद्र वह दीमक का कीड़ा बने और उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा कटी तो एकदम झटका लगा, एकदम झटका लगा तो जो बाण चढ़ा हुआ था वो बाण चल गया और भगवान की गर्दन को पार कर गया, भगवान का मस्तिष्क अंबर आकाश की तरफ चला गया और धड़ शरीर पर गिरा रह गया। देवताओं में हाहाकार मच गई, सब रोने लगे, अब क्या होगा, भगवान का मस्तिष्क कट गया, भगवान का मस्तिष्क कट गया। इसमें माता लक्ष्मी का भी एक श्राप था, माता लक्ष्मी ने कभी श्रृंगार किया था तो भगवान देख करके बड़े हंसे, लक्ष्मी मैया को लगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस मस्तिष्क से तुमने मुझे देख करके मजाक सी उड़ाई, हंसे हो, मैं श्राप देते हूँ कि तुम्हारा ये मस्तिष्क छेदन हो जाए। लक्ष्मी मैया ने श्राप दे दिया था कभी, तो एक लक्ष्मी का श्राप और हैग्रीव राक्षस की मृत्यु, दोनों का कारण भगवान का मस्तिष्क बना। भगवान का मस्तिष्क अंबर आकाश की तरफ चला गया उड़ता हुआ, देवता रुदन करने लगे अब क्या करें, तो उसी समय अंबर आकाश में भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, बोले महा मैया की जय हो। मां भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में प्रकट हो गई और मैया देवताओं को इस प्रकार से बोली, निद्रा भंगा कदक छेदा। देखिए भगवान को नींद आई, मस्तिष्क छेदन हुआ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ, ये सब प्रेरणा मेरी थी, हैग्रीव नाम का राक्षस उत्पात मचा रहा है और तुमने उसके लिए मेरे नाम से यज्ञ किया, देवी यज्ञ किया, तो अभी यह मुझे चाहिए कि उसकी मृत्यु कैसे चाहिए और कैसे होनी चाहिए। उसने मुझसे वरदान मांग लिया है कि मुझे वही मारे जो मेरे समान हो, जिसका मस्तिष्क घोड़े का हो, वही मुझे मारे। तो है ग्रीव राक्षस को मारने के लिए, हे देवता ऐसा करो, बियाबान जंगल में एक घोड़ी अपने बच्चे से पीठ लगा करके बैठी है, उसी का मस्तिष्क छेदन करके ले आओ उसके बच्चे का। मैं बहुत बार कहता हूँ, भगवान के लिए बच्चों के लिए कभी भी पीठ दे के नहीं बैठा जाता। तो इंद्र गए ऐरावत हाथी लेकर के गए और उस अश्वी के बच्चे का मस्तिष्क छेदन करके ले आए और वही मस्तिष्क भगवान नारायण के धड़ के ऊपर लगा दिया। भगवान शीघ्र ही खड़े हो गए, नाम हो गया, बोली है ग्रीव भगवान की जय हो। तो 24 अवतारों में से भगवान का नाम एक है ग्रीव अवतार है, वह है ग्रीव अवतार इसीलिए हुआ है ग्रीव नाम के राक्षस को मारने के लिए। देवी भागवत में से अद्भुत लीला का वर्णन किया गया है, भगवान है ग्रीव का राक्षस है ग्रीव के साथ में घोर युद्ध हुआ और समय आने पर भगवान ने इस दुष्ट पापी को, अपराधी को जीत लिया, है ग्रीव राक्षस की मृत्यु हुई। आकाश में जय जयकारे हुए, आनंद हो गया, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।